साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने की एक घटना सामने आई। कोरोना का खौफ इस कदर लोगों में बैठा हुआ है कि यहां पर एक बुजुर्ग को ग्रामीणों ने उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। बुजुर्ग अपनी पत्नी के शव को साइकिल पर लेकर घंटों भटकता रहा। किसी ने पड़ोसी धर्म तक नहीं निभाया। महिला की अर्थी को कंधा देने के लिए चार लोग तक बुजुर्ग को नसीब नहीं हुए, ना ही कोई भी बुजुर्ग के घर उसे ढांढस बनाने पहुंचा। साथ ही अंतिम संस्कार तक करने से रोक दिया गया। जैसे ही पुलिस को इस मामले की खबर मिली, वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बुजुर्गों की मदद करते हुए उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार रामघाट पर करवाया। बताया जा रहा था कि बुजुर्ग की पत्नी राजकुमारी यानी मृतका की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। सोमवार को उनकी तबीयत फिर से खराब हुई और उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में उन्हें बेड तक नहीं मिला। दवा नहीं मिलने की वजह से उन्होंने बीमारी की हालत में ही दम तोड़ दिया। जब बुजुर्ग अपनी पत्नी के शव को लेकर घर पहुंचा तो कोई भी पड़ोसी उनके दुख में शामिल होने तक नहीं पहुंचा। और तो और बुजुर्ग को पत्नी का अंतिम संस्कार तक गांव में नहीं करने दिया गया। वह घंटों साइकिल पर शव को लेकर घूमते रहे। दरअसल गांव वालों को इस बात का शक था कि बुजुर्ग की पत्नी को कोरोना संक्रमण हुआ था और इसी डर की वजह से सबने उनसे दूरी बना ली थी। जब पुलिस को पूरे मामले की भनक लगी तो उन्होंने आगे आकर बुजुर्ग की मदद की और पत्नी का अंतिम संस्कार करवाया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अकेला ही पत्नी के शव को साइकिल पर लादकर गांव की नदी पर लेकर पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। तब पुलिस ने उनकी मदद की। पुलिस बुजुर्ग को उनकी पत्नी के शव समेत घर वापस लेकर पहुंची। सारा सामान मंगवाकर पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार रामघाट पर कराया गया। सवाल यह भी उठता है कि एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार गांव के लोगों ने नहीं करने दिया। बेचारा बुजुर्ग इंसान अपनी पत्नी का शव लेकर साइकिल पर इधर उधर घूमता रहा। क्या सच में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है एक छोटे से कीटाणु की वजह से? जो वायरस है उसने लोगों में दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि अब तो लोग अपनों का भी अंतिम संस्कार करने से डरने लगे। इसलिए हमारी आपसे बस यही अपील है कि सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप ही पूरी दुनिया है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखें। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सिर्फ दूरी बनाकर रखें, दिलों में दूरियां नहीं आनी चाहिए। किसी का हाथ छूना नहीं है, लेकिन किसी का साथ भी नहीं छोड़ना है। याद रखें, हम सब मिलकर एक दिन इस कोरोना जैसी महामारी से जरूर निपटेंगे, लेकिन इस वक्त सबको एक साथ एकजुट होकर इस वायरस से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि यदि हौसला है तभी मुकाबला है।